आज जो हमारे यहां पर गेस्ट हैं, उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर आठ मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं ये दो को फाउंडर्स हैं इस कंपनी के एक है जो टीचर है जो पढ़ाते हैं और एक है जो बैकएंड पे सारे ऑपरेशन संभालते हैं उनको आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा स्टेज पे सो प्लीज गेव एन एनर्जेटिक एंड वॉम वेलकम टू द फाउंडर ऑफ एग्जाम्पुर

तो लेकिन जब जब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए जर्नी में चीजें देखी कि कैसे होती हैं काफी कुछ इंस्पिरेशन भी मिलती रही उस साइड से आपकी तरफ से आज तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं आई मस्ट से दैट क्योंकि मैंने थोड़ा रिसर्च किया आपकी कंपनी के ऊपर आज आई थिंक आपकी कंपनी में 600 से ज्यादा इंप्लाईज है इफ एम नॉट रॉन्ग यस तो आपने अपने करियर की शुरुआत कब करी मेरी जर्नी थोड़ी सी रोलर कोस्टर रही है बहुत हाँ, मैं वही जानना चाहता हूँ थोड़ा सा एक बार आपकी जर्नी के बारे में मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे आर्मी में थे तो मैंने सोचा पहले मैं गवर्नमेंट जॉब निकालूंगा तब मेरी बात लोग सुनेंगे ऐसे लिए सुनने वाले नहीं है तो वो साबित भी हुआ कि जब आप कुछ कर लेते तभी आपकी बात सुनी जाती नहीं तो कुछ सुनता ही नहीं आपने कितने टाइम तक करी वो जॉब मैंने ज्वाइनिंग लेटर लेकर मैं गया नहीं ज्वाइन करने ट्रेनिंग पर क्योंकि मुझे इधर मेरा रास्ता समझ में आ गया मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है क्या समझ आ गया कि मुझे मतलब जो मैं कर रहा हूँ जिसमें मैं अच्छा हूँ जो मुझे टीचिंग मतलब मेरा खून में ऐसा समझिए कि मुझे मुझे दुनिया की सारी टेंस में बोर्ड पर जाके भूल जाता हूँ तो मुझे यही करना है इसी में आगे इसमें सोसाइटी को भी मैं काफ़ी लाभ पहुँचा पा रहा हूँ तो मुझे एग्जिस्टेंस इसमें मिल रही है तो आप दोनों कैसे मिले ये सहयोग मतलब तो मैं तो इस वर्ग का ही वो मानता हूँ कि मतलब मेरे पास जो टैग था हम एक यूट्यूब चैनल थे बट आपको सपोर्ट करने के लिए आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है और पैसे आपको अब कोर्स वगैरह कुछ को सेल करते हैं तभी आते हैं तो फिर हमने हमें मुझे एक टेक की जरूरत थी एक अच्छी एप्लीकेशन की जरूरत थी तो अचानक से एक दिन प्रधान जी आ जाते हैं उस टाइम पे दस पंद्रह लोगों की टीम थी और फ्लैट से ही ऑपरेट कर रहे थे तो फ्लैट में ही मिले हम लोग जब मिले तो फिर उसके बाद ऐसा लगा कि बने ही इसके लिए थे कि साथ में काम करने के लिए

वैसे इन लोग की इक्वेशन है एंड दे बिल्ट इट तो आप इनका ब्रेकअप करवाने के बारे में <laughs> 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 यहां पे एक बहुत बड़ी चीज सीखने वाली है कि कोई भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए इफ यू वांट टू रियली डू समथिंग बिग इन लाइफ यू नीड समी जिनके साथ में आपकी अच्छी इक्वेशन हो जिन पर आप ट्रस्ट कर सको और जिस तरीके से बता रहे हैं कि जिनसे आप डेली रात को एक घंटा बात कर सको शादी के बाद भी बहुत बारी ऐसा होता है कि काफी सारे लोग हो गए हैं साथ में काम करने के लिए तो नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी कुछ उधर से कुछ और चीज हो रही है और हम लोग कुछ और कर मैं कुछ और बोल रहा हूँ sure तो टीम में भी ऐसा बहुत होता है तो लोग आपस में लड़वाने की कोशिश करते हैं मैं इसमें अपना एक पॉइंट रखना चाहूंगा कि पहले जैसे हमारी फैमिली में किसी ने कभी कोई बिजनेस किया ही नहीं कभी कुछ छोटे मोटे किए तो मैं आपस में भाइयों में ही झगड़े हो गए मतलब कोई अगर फैमिली में कोई ऐसे है कि बिजनेस किया तो आपस में झगड़ा हो गया उनका तो पार्टनरशिप को ऐसा बना रखा था यार कुछ भी करो पार्टनरशिप में कोई काम स्टार्ट मत करो बट मेरी भी वही थिंकिंग थी कुछ भी करो पार्टनरशिप में मत स्टार्ट करो लेकिन जब वरदान जी आए चार साल हम लोगों को हो गए साथ और बहुत अच्छे से हम लोगों ने बहुत उतार बहुत ज्यादा चढ़ाव बहुत नीचे उतार भी देखे बहुत रोलर कोस्टर जैसे राइड रही बट हमारे बीच में आज तक टचूट एक भी बार तेज आवाज में बात तक नहीं हुई कोई मतलब जीरो झगड़ा मैं तो एक ही चीज इसमें सबसे मेजर लगती है वो पेशेंस है कि कई बारी हम लोग अपनी थिंकिंग में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम ये सोचते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वही सही है अभी हम लोग दिन में बेशक डेढ़ दो घंटा बात होती है उसका मेजर एक रीजन ये भी होता है कि मैं बिल्कुल अलग चीज सोच रहा हूं सर बिल्कुल अलग चीज़ सोच रहे हैं और ऐसा नहीं है कि ऐसा होना कोई गलत चीज़ है और जब उनके मिलने से एक सॉल्यूशन निकलता है तो वो सॉल्यूशन मेरे को लगता है कि वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट सॉल्यूशन होता है लेकिन उस डिस्कशन में ऑब्वियसली ये आपको ध्यान रखना होता है कि हम लोगों के लिए सिर्फ इस डिस्कशन के लिए खत्म नहीं हो जाएगी जिंदगी इसके आगे भी बहुत बड़ी जिंदगी है तो अगर साथ में रहेंगे तो बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि एक और एक ग्यारह अगर हो सकता है तब तो वन प्लस वन करने का फायदा है अगर वन प्लस से आपको बहुत गुस्सा आ रहा है उसके किसी बात पे आप बात कीजिए सेकेंड चीज एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट मींस आपको ऑनेस्ट तो रहना पड़ेगा हाँ। और तीसरी चीज की मान ली तो उन्होंने कोई डिसीजन लिया अब आपको ये नहीं कि आप उस पर लग गए और ये तो हो ही नहीं सकता ये ओवर द टाइम आएगा कि आप उन्होंने कोई डिसीजन लिया और आपको उससे का कोई बहुत लॉस हुआ जैसे मेरा मेरे साथ फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि हम लोग चार पाँच महीने काम करते हुए थे काम अच्छा हो गया तो मैंने एक डिसीजन ले लिया कि भाई हम पूरे भारत में अब एडवर्टाइजमेंट देंगे अखबार में न्यूज़पेपर में वर्दा ने कहा ओके करेंगे उसने तो पूरा एजेंसी वेजेंसी से बात की उसको पूरा पे कर दिया जिस दिन वो निकलने वाला था तो उस दिन एक दिन पहले मेरा दिमाग बदल गया मैंने अरे ये तो घाटे की चीज है तो सही नहीं अभी हम लोग इतने बड़े नहीं हुए कि हम लोग इतना फैल जाए मैनेज कैसे हुआ नेगेटिविटी आएगी अगर मैनेज नहीं हो पाया मैंने कहा यार इसको रोको बोले पैसे तो चले ही गए तो वहां पर झगड़ा हो सकता था तो वहां पर प्रधान कहते थे तो आपने इतना पैसे का लॉस करा दिया उसने सपोर्ट किया मीन्स तो उससे मुझे थोड़ा सा

मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि जिस टाइम पे हम लोग का एक चैनल जो मेन चैनल है जिसके अभी करीब साढ़े आठ नौ, नौ मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं हम लोगों ने डिसाइड किया हम एक और चैनल स्टार्ट करेंगे ये सर का डिसीजन था कि हम एक और स्टार्ट करेंगे हमें मेन चैनल काफी अच्छा सब कुछ कर रहा था और लिटरली हमने स्टार्ट किए हुए तब तीन महीने हुए थे तो मेरे को यह था कि क्या करना है सब तो अच्छा है क्यों <laughs> <laughs> so, uh, सर ने बोला नहीं हम लोग ना डिफेंस में आएंगे हम डिफेंस के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना शुरू करेंगे तो ये भी एक मूव बहुत स्ट्रांग था कि हमें एक और चैनल खोलना है जहां पे जीरो सब्सक्राइबर बेस से हम दोबारा से शुरू करेंगे जहां हमें कोई जानता नहीं होगा अब वो चैनल भी अब करीब वन मिलियन का हो गया तो उस टाइम पे वो सोचना कि अब हम डिफेंस के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना शुरू करेंगे और वही है रीजन कि आज हम लोग ऑलमोस्ट 26 चैनल्स फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंक यू सर की यहाँ पे all, you, sir, कि मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है और मेरा क्वेश्चन सर से ये है कि सर जब आप अपनी इनिशियल स्टेजेस पे थे जस्ट टीचिंग के तो जैसे कि आप खुद भी पढ़ रहे थे और किसी एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे थे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जैसे मैं भी हूँ मैं पढ़ाती भी हूँ और मैं कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ तो कई बार क्या होता है कि हम एक बार में क्लियर नहीं करते उस चीज को हमें एक दो मतलब बहुत सारे अटैम्प देने पड़ते हैं तो उस टाइम में माइंड में एक थॉट चलता है कि हम तो इतनी बार फेल हो गए हैं क्या पता हम अपने स्टूडेंट्स को इतना अच्छा दे पा रहे हैं कि नहीं तो इस डीमोटिवेशन से कैसे खुद को टैकल करें इसमें जैसे मैं बहुत बार फेल हुआ इतनी बार फेल हुआ हूँ कि एक बार तो मेरे पूरे गांव में टैग लग गया था कि वो सबसे बड़ा फेलियर है उसका कुछ नहीं होने वाला कि वहां भी गया वहां भी गया बी टेक भी की ये भी किया कुछ नहीं होने वाला मैंने एक चीज देखी कि अगर आप लग गए किसी चीज से अब आप उसे छोड़िए मत 2007 से मैंने गवर्नमेंट एग्जाम्स के फॉर्म फिल करने शुरू किए टेंथ क्लियर होने वाली थी तब से जब मैं ट्वेंटी फाइव का हो गया तब जाके मतलब मेरी बी हो गई बी होने को भी तीन साल हो गए तब जाके मुझे मिली लेकिन रैंक मिली तो मैंने कभी जो अपना फेलियर था उसका सर स्टूडेंट पे नहीं आने दिया अब जब आप एग्जाम्स देते हैं तो अपने फेलियर से आपको अब बार बार एग्जाम देते हैं तो आपको एग्जाम की नॉलेज ज्यादा हो जाती है अब जो आपने उससे सीखा वो आप स्टूडेंट को स्ट्रॉन्ग कीजिए और अगर आपने अपने पे काम किया तो आप खुद भी धीरे धीरे फिर स्ट्रांग हो ही जाएंगे ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे जो समझने वाला है वो ये है कि आप जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनको तो नहीं पढ़ा रहे जो कि सेम एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसकी आप कर रहे हैं

अभी आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हो दैट मीन्स आप अपनी ट्वेल्थ क्लियर कर चुके हो एंड आई एम श्योर आपने अच्छे मार्क्स से क्लियर करी होगी मैं ठीक कह रहा हूं ना yes, तो जब आपने अच्छे मार्क्स से क्लियर करी है तो आप कैपेबल हो उन लोगों को अच्छे से पढ़ाने में और उन लोगों की अच्छे से तैयारी करवाने में तो कभी भी अपने को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए अच्छा मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा आपके लाइफ के बारे में कि आज आप लोगों का लाइफ कैसा है क्योंकि इसमें मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है क्योंकि यहाँ पर कुछ गेस्ट आते हैं जिनके पास पैसा कम होता है लेकिन लाइफ बड़ा भयानक होता है उनका और कुछ ऐसे गेस्ट आते हैं जिनके पास पैसा बहुत होता है लेकिन लाइफ बहुत ही नॉर्मल होता है तो आप किस कैटेगरी मेंटेगरी है मीन्स आराम से मस्त रहिए ज्यादा चीजें खट्टी नहीं है मेरे पास मैं ज्यादा ये वो ये भी गाड़ी वगैरह वो सब नहीं अपना बस स्कॉर्पियो खरीदी उसके अलावा कोई बड़ी ऐसा कुछ नहीं तो अपना ऐसा है कि पहनने के लिए टी शर्ट अपनी जो पढ़ाते उसी में और फिर चार पांच घंटे की क्लासेस तो के अनुसार नहीं।, क्लासे, क्लासे, नहीं तो और अभी भी आप खुद क्लासेस करते होने के बाद भी रेगुलर डेली आप चार पांच घंटे क्लासेस कंडक्ट करते हो खुद यस बट कैसे टाइम निकाल पाते हो क्योंकि एक है छह लोगों की टीम को मैनेज करना और प्लस क्लासेस भी कंडक्ट करना वरदान जी है इसलिए <laughs> इसलिए आपको वरदान मिला है <laughs> <laughs> आप अपने लाइफस्टाइल के बारे में कुछ बताना चाहोगे कि मतलब आपका क्या लाइफस्टाइल है आप किस चीज में बैठ के आ रहे हो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है लेकिन आप क्या सोचते हो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है पढ़ते पढ़ते थक गया हूं सर अब क्या करूं एक मिनट सर सर लेना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन को <laughs> ये पढ़ाते पढ़ाते नहीं थके बारह घंटे के मैराथन सेशंस करते हैं और आप पढ़ पढ़ के थक गए ये क्या बदतमीजी है हाँ फिर भी आप बताइए अब आप पढ़ाना शुरू कीजिए okay, अब आपके पास ओवरलोड हो गया अब आप उसको दीजिए किसी को तब आपको हो सकता है अपने पढ़ाने में कुछ नया निकले आप उसको उसको पढ़ाओगे तो कुछ नया समझोगे नया सिखाओगे फिर आपका जो सोचने का स्तर है वो और बढ़ेगा मतलब आप क्या करिए आप अपना रेज्यूम लाए अभी नो सर यही तो गलती आपने sir, आपके सामने कौन बैठे आपको खुद नहीं पता है 600 सौ लोग काम करते है मुझे पढ़ाना है तो पढ़ाना है तो, तो एग्जामपुर में जाओ जा करके पढ़ाओ सीधी okay. सी बात ठीक है जवाब मिल गया आपको यस सर तो क्या आप पढ़ाओगे सर देख लो देख लिया सर कहा यूट्यूब पे तो मैं ये पूछना चाहता हूँ जैसे एम एस धोनी है वो अपनी फील्ड से अलग हो गए लेकिन उनकी जगह कोई नहीं ले सकता ऐसे संदीप महेश्वरी सर है वो अपनी फील्ड से अलग हो जाएंगे उनकी कोई जगह नहीं ले सकता ये किंग मेकर वाली थिंकिंग ये कैसे डेवलप की जाती है कि कैसे बनाए कि हाँ अगर मैं इस फील्ड में हूँ मैं छोड़ के जाऊंगा तो हमेशा ये फील्ड खाली रहेगी मेरे बिना ये तो आपका डेडिकेशन ही तय करेगा कि आप उसमें कितने लंबे रुकने वाले हैं क्योंकि आप छाप तभी छोड़ सकते हैं जब आप उसमें लंबे रुकेंगे और आप लंबे रुकेंगे और आप प्लान के साथ स्टार्ट करेंगे और आपको होगा कि मुझे उस लक्ष्य है इस प्लान करोगे तो आपके पास मंजिल भी होगी कोई ना कोई गोल भी होगा उसमें आप लंबे रुकेंगे देन आप अपनी एक जगह बना लेंगे फिर आप सोच पाएंगे कि अब कोई जगह नहीं ले सकता आ, बहुत बढ़िया तो आपका जो क्वेश्चन है उसका एक पॉइंट हमको मिला लंबे रुकना है यानी कि लाइफ में अप्स भी आएंगे और डाउन भी आएंगे आपने अभी एम एस धोनी की बात करी उनकी भी लाइफ में बहुत सारे अप आए और बहुत सारे डाउन भी आए हैं पूरे अगर आप करियर को देखेंगे तो तो जब डाउन फेज आता है किसी भी इंसान की लाइफ में तब वो क्या करता है ये डिसाइड करता है कि लॉन्ग टर्म में वो उस करियर में अपनी छाप छोड़ पाएगा या नहीं छोड़ पाएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इन्होंने बोला है आप बताइए सर आपका क्या टेक है आपके क्वेश्चन में एक वर्ड था किंग मेकर तो वो किंग अपने आप को नहीं हमारे केस में हमेशा यही है संदीप सर के में भी देखता हूं और हमारे में भी किंग मेकर जो सामने सुन रहा है उसको हमें पॉजिटिविटी पहुंचानी है चाहे वो हम पढ़ा के पहुंचाए चाहे वो हम मोटिवेट करके पहुंचाए तो वो जब हम पॉजिटिविटी पहुंचा पाते हो ना आप तो आप अपने आप ही अपनी फील्ड में छाप छोड़ जाते हो लेकिन वो हो सकता है कभी एक ही जने तक पहुंच रही हो कभी हो सकता है ढाई करोड़ लोगों तक पहुंच रही हो बहुत बढ़िया जब किसी काम को आप बहुत ही एक्स्ट्रा तरीके से करते हो और एक अच्छी नियत के साथ में करते हो ये दोनों चीजें जब जाकर के मिल जाती है तो हिस्ट्री क्रिएट होती है तो कुछ कमाल का होता है थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इट मीन्स अ लॉट टू मी एंड टू एवरीबडी हियर